राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक नन्ही सिरिया की कहानी। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक नन्ही सी सिरिया अपने घोंसले में दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन सिरिया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आए तो चुन्नू मुन्नू बहुत खुश हुए। चुन्नू ने कहा, माँ बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे मुंह में दाना डाल दो। यह सुनकर मुन्नू ने कहा, नहीं माँ, पहले मेरे मुंह में दाना डालो। सिरिया ने दोनों के मुंह में दाना डाल दिए। दाना खिलाने के बाद सिरिया ने दो बच्चों से कहा, बच्चों यहाँ की फसल तो कट चुकी है, अब मुझे दाना चगने दूर गांव में जाना पड़ेगा। मैं कुछ दाने घोंसले में रख दूंगी, तुम दोनों थोड़े थोड़े खा लेना, मैं एक दिन बाद वापस आ पाऊंगी। यह सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए, लेकिन खाना भी तो चाहिए था, इसलिए दोनों मान गए। अगले दिन सिरिया दूसरे गांव में पहुंच गई। वह काफी थक चुकी थी, इसीलिए वो एक पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी एक शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया। घर में उसने अपनी पत्नी जानकी से कहा, जानकी आज केवल एक सिरिया ही हाथ लगी है, तू इसे संभाल कर रख देना, कल इसे बाजार में बेच देंगे। शिकारी की पत्नी जानकी को पशु पक्षियों का शिकार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रात में जब वह सो रही थी तो उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वह सिरिया नारायण नारायण नाम का जप कर रही थी। जाप सुनकर जानकी उठी और पिंजरे के पास जाकर सिरिया से इसका कारण पूछा। तो सिरिया ने कहा, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो दूर जंगल में हैं, मैं तो दाना लेने यहाँ निकली थी, अगर मैं कल तक नहीं पहुँची तो वे दोनों भूख से मर जाएंगे, इसीलिए मैं भगवान विष्णु को याद कर रही हूँ, वे आकर या तो मुझे बचा ले या मेरे बच्चों को दाना दे दे। जानकी ने सिरिया से कहा, हम तो शिकारी हैं, हमने कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन तुम नन्हे से सिरिया हो, तुम्हें लगता है भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे? तब सिरिया ने कहा, भगवान विष्णु जगत के पालनहार है, वे अवश्य आएंगे। सिरिया की बात सुनकर जानकी ने कहा, मैं अपनी पतिव्रत धर्म से बंधी हूँ, इसीलिए मैं उन्हें धोखा देकर तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं यह देखना चाहती हूँ कि भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी उसी समय से सब कुछ छोड़ कर भगवान विष्णु की भक्ति करूँगी। यह सुनकर सिरिया बोली, मुझे तो भगवान विष्णु पर विश्वास है, लेकिन लगता है भगवान ने तुम्हारे मन में भक्ति जगाने के लिए ही यह लीला रचाई है। अगले सुबह होते ही जानकी ने यह सारी बातें अपने शिकारी पति को बताई। तब शिकारी पति ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, आज मैं इसे बेच दूंगा और वे उसे खा जाएंगे। पति की बात सुनकर जानकी ने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे मन में इसके लिए दया भर गई है, इसके बच्चे रो रहे होंगे। लेकिन शिकारी नहीं माना। तब हार कर जानकी ने कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आज देखती हूँ कि इस सिरिया का विश्वास जीतता है या नहीं। शिकारी बाजार जाकर सिरिया को एक कसाई को बेच दी, जो कसाई उसको काटने की तैयारी करने लगा। तब सिरिया खुशी से झूमने लगी। उसे झूमता देखकर जानकी ने पूछा, अरे तुम तो मरने वाली हो, फिर भी तुम खुश हो रही हो? उस नन्ही सिरिया ने जवाब दिया, मैं इसीलिए खुश हूँ कि यदि मैं मरने वाली हूँ
तो भगवान विष्णु ने मेरे बच्चों की रक्षा कर ली होगी। जैसे ही कसाई उसे मारने लगा, तभी वहाँ एक औरत आई और उसने कसाई से कहा, भैया मुझे यह सिरिया दे दो, जितने पैसे चाहिए ले लो। औरत की बात सुनकर कसाई ने औरत से पैसे लिया और उस सिरिया को उस औरत को दे दी। ये देखकर जानकी ने उस औरत से पूछा, बहन तुमने यह सिरिया क्यों खरीदी? तब उस औरत ने जानकी से कहा, मेरा बेटा बचपन से ही गूंगा है, मुझे एक साधु बाबा ने यहाँ भेजा और बताया था कि एक सिरिया की बलि दी जा रही है, उसे बसाकर उसका झूठा पानी अपने बेटे को पिलाना, तब वो बोलने लगेगा मैं सही समय पर यहाँ आ गई और इस सिरिया को खरीदी। वो औरत सिरिया का झूठा पानी लेकर उसे आजाद करके चली गई। तब सिरिया ने कहा, देखा भगवान विष्णु ने मुझे और मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया। सिरिया की बात सुनकर जानकी और शिकारी की आंखों से पानी बहने लगा। शिकारी और जानकी उस दिन से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। दोस्तों, अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।